एक सुनहरे हमला का एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक जादूगर रहता था। इसके साथ इसका बेटा टीनू भी था। टीनू बहुत जिद्दी था, जो भी चाहता था बाप इसके लिए हाजिर करता था, क्योंकि बाप इसका जादूगर जो था। उम्रायार जादूगर इसका बाप बहुत सखी और ईमानदार था। वो गरीबों का बहुत ख्याल रखता था। तो एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि टीनू अपने बाप के पास गया और कहने लगा, अबू अबू मुझे तीर और कमान चाहिए, प्लीज प्लीज मुझे तीर कमान दिलाते, मुझे चाहिए प्लीज अबू, मुझे दे दे तीर कमान। अब तीर कमान पर क्या करना चाहते हो बेटा? मैं तीर कमान चलाकर इस पर निशाना पक्का कर सीखना चाहता हूँ अबू। ये बच्चों की चीज नहीं है बेटा, खुद को ऐसी चीजों में न फंसा दिया करो, दिमाग खराब हो जाएगा। इस तरह फिर टीनू रोने लगता है। ये लो तीर कमान, पर एहतियात से बेटा, इससे किसी चीज को जरा न पहुंचाए और न किसी जानदार को न मार दे, खुद का निशाना बराबर कर दे इस पे और इससे खुद खेलो। ठीक है अबू, सिर्फ निशाना बनाऊंगा इसे। तो जादूगर ये कहकर इसी जगह से रवाना होता है घर के बाहर, और इसी तरह टीनू भी तीर कमान लेकर रवाना हो जाते हैं घर से बाहर। चलते चलते वो एक बाग में पहुंच जाता है और तीर कमान से निशाना बनना शुरू कर देता है। तो इसको अपने बाप की वो बात याद आ जाती है। ये लो तीर कमान, पर एहतियात से बेटा, इससे किसी चीज को जरा न पहुंचाए और न किसी जानदार को न मार दे। मेरा अबू कहता था कि इस पर किसी को वो नुकसान न पहुंचा दूं। फिर टीनू को एक गाय दिखता है और इसको शैतानी सोच आ जाता है और तीर कमान का निशाना गाय पर चिक कर देना शुरू कर देता है, और वो तीर कमान से तीर चलाकर गाय को निशाना बना देता है और गाय इसी जगह पर गिरकर मर जाती है। तो जब गाय का मालिक ये देखता है तो बहुत रोने लगता है। ओ हो, ओ हो, ये क्या हो गया, मेरी गाय को किसी ने मार दिया, मैंने किसी का घर उजाड़ा था क्या, और न किसी से कोई दुश्मनी थी, फिर क्यों ऐसा हो गया, मेरा सब काम काज को इस गाय की वजह से जो चल रहा था, घर का खर्चा भी इसी से होता था, मैं तो बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। तो फिर वो टीनू भी इसके पास आता है और कहता है, बाबा जी ये तो मुझसे गलती हो गया, मैं तो ये नहीं चाहता था, ये भूल से लग गई, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तो फिर ऐसा क्यों किया, ऐसा भी कोई करता है क्या, इस गाय से दूध लेकर वो बेच कर घर का खर्चा पूरा हो जाता था, मेरा तो अब कोई सहारा नहीं है कि घर को चला सकूं, मैं तो बर्बाद हो गया हूँ। ये सुनकर टीनू बोलता है, बाबा जी मैं आपको अपने अब्बू से मिला देता हूँ, वो मेरी माँ भी और बाप भी है, क्योंकि मेरी माँ नहीं है, चलो मैं आपको इसके साथ मिला देता हूँ, वो आपको गाय दिला देगी। तो फिर इस तरह टीनू वो गाय का मालिक अपने साथ लेकर घर चलते हैं और बाप के साथ मिलवा देता है और अपने अब्बू से कहने लगता है, अबू मुझसे गलती से वो तीर चला कर इसके गाय पर निशाना होगी और गाय वहाँ मर गई, अब इसको गाय दिला दे प्लीज, इसकी गाय मर गई। नहीं नहीं, मुझे वही गाय चाहिए, वो जो मर गई है, इसका दूध मीठा और ज्यादा देता था, सब गाँव वालों को इसका दूध बहुत पसंद था, मुझे वही चाहिए, अब क्या नया गाय का दूध गाँव वालों को कोई पसंद कर देगा या नहीं, या वो अच्छा दूध देगा भी या नहीं। हो वो गाय हमला भी थी। हो।
मैं तो इसको जिंदा नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको एक और गाय दिला दूंगा। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ वही गाय चाहिए। ठीक है, फिर अगर आपको और नहीं चाहिए तो मैं आपको सुनहरी गाय देने के लिए तैयार हूँ। तो जब मालिक जादूगर की ये बात सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है। सुनहरी गाय, ठीक, मैं ये लेने के लिए तैयार हूँ। तो फिर जादूगर अपनी जादू से सुनहरी गाय दिला देता है और मालिक को दे देता है, और वो इसको अपने घर ले जाता है अपने साथ। तो इसके गांव में इस सुनहरी गाय को देखने के लिए लोग आते हैं और अजीब गरीब बातें इस गाय पे बना देते हैं। इस आदमी ने अपनी गाय को सुनहरी रंग दिया होगा, ये असली नहीं है। नहीं नहीं, ये सुनहरी रंग नहीं दिया है, बल्कि सचमुच सुनहरी गाय है। और लोग ये भी कहते थे, ओ भाई, ये सुनहरी मुनहरी गाय नहीं है, वैसे हमको पागल वागल बना रहे हैं ये लोग। तो फिर शाम को मालिक अपनी सुनहरी गाय से दूध लेता है। तो जब गाँव वाले लोग ये देखता है तो बोलता है, ये कैसी सुनहरी गाय है, इसका दूध तो सफेद है, ये तो आम सी गाय की है। मैंने बताया था ना, ये असली नहीं है, इसको रंग दिया होगा। तो फिर वो मालिक गाय से दूध लेता है, दूध की बाल्टी रख कर कुछ काम से बाहर अपने घर से निकल जाता है। और जब वापस आता है तो वो दूध सोने में बदल चुका होता है। जब मालिक ये देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, ये तो सोने का दूध देता है, इस गाय का तो बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। और फिर गाय गोबर भी करता है और इसको गाँव वाले देखते हैं और बोलते हैं, ये क्या हुआ, ये तो और गाय की जैसी है, और आम गाय भी तो गोबर देता है, ये तो लोगों को पागल बना रहे हैं। छोड़ो, इसको चलते हैं यहाँ से। मालिक गोबर को बाल्टी में रखकर अंदर एक जगह में रखता है, तो वो गोबर भी सोने में बदल जाते हैं और मालिक फिर से बहुत खुश हो जाता है। वाह, ये तो मजे है मजे, मेरे तो मजे लग गए, मेरी गाय तो दूध भी सोने का देता है और गोबर भी सोने का। तो फिर वो मालिक बहुत अमीर हो जाता है और अपने लिए एक बंगला भी लेता है और किसी को खबर तक नहीं देता इसका। और एक दफा वो मालिक अपने बंगले में होता है, रात हो जाती है और सो जाता है और एक ख्वाब देखना शुरू कर देता है। एक गाय के मालिक, आप बहुत कमकल बेवकूफ हो, आप बहुत वक्त से मेरे ख्याल में हो, आप इस गाय के दूध और गोबर को ही सिर्फ इंतजार में रहोगे और इसको ही भेजोगे, आप तो बहुत बेवकूफ हो। अगर ये गाय मेरे पास होती, मैं एक आसान सा काम करके खुद को एक ही दिन में सारी दुनिया को अमीर कर देता, ऐसा अमीर कर देता कि मेरा जैसा कोई अमीर नहीं होता इस दुनिया में। ओहो, इस तरफ तो मेरी कभी सोच भी नहीं किया, आपने तो मुझे बहुत अच्छा मशवरा दिया है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं दुनिया का अमीर तरीन इंसान बनूं, मगर मेरी गाय दो तीन गोबर और दूध ही देती है और इसमें मेरा इतना जल्दी अमीर बनना मुश्किल है। ये तो आप बहुत अच्छा मशवरा दिया है मुझे, ये बिल्कुल बात ठीक है, मेरे जहन में ये बात बिल्कुल नहीं था, आप नहीं जानते थे ना, इसलिए तो मैंने ये आपको बता दिया। और ये आपको इलम में भी नहीं होगा कि ये दूध और गोबर कहाँ से आता है, गाय के अंदर से ही आता है, ये इसके पेट में ही से आते हैं, इसलिए इसके पेट में बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है और ये खजाना आप कभी भी खत्म नहीं कर सकोगे। तो अब आप दुनिया का मालदार तरीन अमीर बन सकते हैं अगर आप ऐसा करोगे कि इस गाय को जबा कर डालो और इस गाय की पीठ से सारा खजाना निकाल दो। अच्छा अच्छा, तो मेरी गाय की पेट में इतना बड़ा खजाना है और इसका मुझे बिल्कुल इलम नहीं था, ठीक है, मैं भी इस तरह काम करूंगा, मगर ये तो बताओ कि आप कौन हो। मैं जो हूँ वो आपको बाद में पता चल जाएगा।
मगर आप इस तरह करो कि इस गाय को ज़बा कर दो, गाय के पेट में सारा खजाना बाहर निकाल दो और मैं जा रहा हूँ। और जब मालिक ख्वाब से बेदार होते हैं तो खुद के साथ बातें करना शुरू कर देता है और सोचों में गुम हो जाता है। अरे वाह, ये क्या जबरदस्त आइडिया था, मेरा इधर सोच बिल्कुल नहीं था, बहुत अच्छा ख्वाब देखा ये तो। बस मैं सुबह ऐसा ही करूँगा, अभी रात का अंधेरा है लेकिन सुबह में जाकर गाय के पेट से ये बड़ा खजाने निकलवा के ही रहूंगा। तो जब सुबह हो जाता है तो वो मालिक अपने सुनहरी गाय के पास जाता है, लेकिन जब वो देखता है तो इसकी गाय ने एक नन्ना छोटा सा गाय जन्म दिया था। जब ये मालिक देखता है तो और भी खुश हो जाता है। अरे वाह, ये तो मुझे पता नहीं था, इतने नन्हे बच्चे का जन्म दिया है इस गाय ने। खैर ये सब तो होगा, लेकिन मैंने खुद को आज जरूर अमीर कर देना है। इस गाय के पेट से ये खजाने निकलवा कर ही रहूंगा और इस गाय का ये छोटा बच्चा नन्ना मुन्ना बच्चा छोड़ कर दूंगा, और जब ये भी बड़ा हो जाएगा एक दिन तो फिर इसके पेट से भी बड़ा खजाना निकलवा दूंगा। तो जब ये मालिक इस गाय को ज़बा कर देता है तो क्या होता है कि गाय और बच्चा दोनों ही गायब हो जाता है। ये सब मालिक देखते हुए बहुत ज्यादा अफसरदा हो जाता है और खुद से कहने लगता है, ओह ये क्या हो गया, मेरी सुनहरी गाय तो गायब हो गई और वो बच्चा भी गायब हो गया। वो जो ख्वाब में आया था वो कौन था, ये बताने के लिए जो पूछा था मैंने। हाँ अभी समझ में आया, वो शैतान था, मैंने शैतान की बात मानी और ख्वाब की ताबीर भी नहीं सोची न पूछी किसी से, लालच में आकर ये सब कर दिया। मैं बहुत लालच इंसान निकला, सब हाथ से किया, लालच बुरी बला है, आइंदा मैं कभी नहीं करूँगा, बस मेरे तोबा है, कभी भी आइंदा ऐसे नहीं करूँगा। और इस तरह ही कहानी ख़त्म हो जाती है। तो सच बात है कि लालच बुरी बला है। तो आप लोगों ने ये इस कहानी सुनकर क्या सबक दिया, उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इस कहानी से ये सबक आगाज किया कि लालच बुरी बला है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ चुकी होगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ये सबक इस वीडियो से उन लोगों तक पहुँचाए कि लालच बुरी बला है। ये वीडियो इंटरटेनमेंट के लिए थी और एक फर्जी कहानी थी। इस कहानी से ये माखूज करना था कि लालच बुरी बला है।